जी मुझे नहीं लगता कि लाइव जो है हुआ है। अगर कोई भाई जुड़ा है तो बताए कि लाइव हो चुका है या तो पता नहीं। मेरे अब से पहले मेरी आवाज आई, माफी चाहूंगा आप सबसे साथियों। नेटवर्क जो है टूट गया था बीच में, और मैं तो हमेशा कहता हूं नेटवर्क और नेता जो है गांव के अंदर बहुत कम आते हैं। तो भाई नेटवर्क टूट गया था, शायद मेरी बात पहले पता नहीं आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। जो आपसे पहले मैंने बोला था वो बात मेरी पहुंची कि नहीं पहुंची, तो मैं दोबारा मेरी बात को रिपीट करता हूं साथियों। जी विनोद जी शुक्रिया आपका। वीडियो को आप भी शेयर करें, सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबाएं ताकि और जो है भाई जुड़ जाएं, क्योंकि काफी कम लोग जुड़े हैं और मुझे शो भी नहीं हो रहे। मुझे सिर्फ 6 लोग जो है शो हो रहे हैं कि लगभग 6 लोग जो है जुड़े हैं। तो बात करें साथियों आज सरसों के अंदर। अरविंद जी शेयर नहीं किया आपने, शुक्रिया आपका। बराड़ साहब धन्यवाद, विनोद जी कुकना साहब शुक्रिया, काफी साथी जुड़ चुके हैं। भाई निवेदन है एक एक शेयर का बटन दबाओ यार सारे भाई, और भाई आ जाएं। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि कोई भाई जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कितने भाई जुड़े हैं। तो सरसों के अंदर सरकार की नीयत ऐसी है कि आज से 8-10 साल पहले वाले भाव सरसों के अंदर आ गए हैं। आज भी भयंकर गिरावट सरसों के अंदर, बड़ी गिरावट। जैसा कि आपको रविवार को बताया था साथियों कि सरसों के अंदर जो है दिक्कत होने वाली है, वही हो रहा है साथियों सरसों के अंदर। और आज भी गिरावट आई है सरसों में, लगभग लगभग जो है 100 रुपए की गिरावट, 125 रुपए की गिरावट जो है आज देखी गई है बाजारों के अंदर। तो रविवार को हालांकि आपको आगाह किया था साथियों कि सरसों में कोई तेजी वाली कहानी बनती नजर नहीं आ रही है। शर्मा जी कह रहे हैं 6,000, तो शर्मा जी मुश्किल लग रही है सरसों। एक तो यार मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी मेरी तबीयत 2-3 दिन से साथियों खराब है। नेटवर्क प्लस नेता बराबर 0। बिल्कुल जनामपुरिया जी बिल्कुल सही है, नेटवर्क ना तो गांव में नेटवर्क आए और ना ही नेता आए, तो वो ही है कहानी साथियों। तो सरसों के बाजार की बात करते हैं। चलो काफी लोग जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल से लगभग 150 लोग जुड़ गए होंगे। शो नहीं हो रहे हैं, शेयर भी भाई कर नहीं रहे हैं आप सारे भाई, शेयर नहीं कर रहे तो नाम मैं भी किसी का नहीं बोलता, जिद्दी मैं भी बहुत हूं, आप शेयर करोगे तो ही नाम बोलूंगा। तो बात करें साथियों सरसों के भाव की, तो सरसों के भाव के अंदर आज 100 रुपए की गिरावट, और आने वाले दिनों के अंदर भी मैंने आपको स्पष्ट बोला था रविवार को कि 100 तेज 150 डाउन, 150 तेज 200 डाउन, यही कहानी चलती रहेगी। पुखराज जी धन्यवाद, 200 साथी जुड़े हैं। विनोद जी कह रहे 185 साथी जुड़े हैं, तो यही कहानी चलती रहेगी सरसों के अंदर। सरसों में तेजी इस सप्ताह मुश्किल लग रही है, बामुश्किल लग रही है। शेयर नहीं हो रहा, गार्ड साहब कह रहे हैं आपका तो शेयर हो गया, कुकुणा जी ने शेयर कर दिया है धन्यवाद। तो सरसों के भाव की बात करें तो भाइयों इतना बुरा भाव कि जो भाव आज से 8-10 साल पहले था, 8 साल पहले तो 100% मान के चलिए 2015 का भाव जो है सरसों के अंदर आ गया साथियों। वही 4,000 से लेके 4,500 के भाव, 4,600 तो किसी कर्म जो जिसके जिसके वो पल किस्मत बहुत तेज है उसके भाव लग रहे हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। सरसों में गिरावट है, आज भी गिरावट है और सरसों में आगे भी गिरावट ही लग रही है। सरसों के अंदर तेजी जो है नहीं लग रही है साथियों। कॉटन की बात करें, गिरावट कॉटन में भी 7,000 के घरों में कॉटन पहुंच गया है, 7,000 से 7,500 के घरों में पहुंच गया है। जो 7,500 से 8,000 के भाव थे पिछले सप्ताह के अंदर, वहां से टूटता टूटता अभी कॉटन जो है 7,000 के घरों में आ गया, और नए सीजन के अंदर कॉटन में इससे भी बुरी खबर आ सकती है। पिछली बार भी मैंने यही बात बोली थी, क्योंकि उससे पिछली बार जो कॉटन के भाव थे वो 12 से 13-14 हजार चले गए थे, लेकिन मैंने मेरे पास खबर थी, मेरे पास न्यूज थी कि भाई कॉटन के भाव तेज नहीं होंगे। तो कॉटन की बिजाई के टाइम मैंने ये बात बोली थी कि भाई कॉटन के भाव पिछले साल वाले नहीं रहेंगे, 9,000 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो 2-4 साथियों ने ये कमेंट कर दिया कि भैया आपकी तो जीभ काली है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई है, लेकिन मेरी जीभ काली नहीं थी, मेरे पास सूचना थी, बहुत पक्की सूचना थी, मुझे पता था कि कॉटन के भाव नहीं आएंगे और अगले सीजन के लिए भी ये वाली मौज जो 9,000 वाली हम लोगों ने लूटी है वो मौज आती हुई नहीं लग रही है, ये बिल्कुल तय बात है कॉटन के अंदर। बाकी जो है आगे देखेंगे साथियों। मौसम की बात करें तो सरस्वती मौसम का पूछ रहे हैं भाई, अब कल से थोड़ा बहुत चेंज होने की उम्मीद है। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है और उस तारीख के चलते जो है थोड़ा बहुत मौसम के अंदर सुधार आना चाहिए।
बात करें साथियों ग्वार की, तो ग्वार के अंदर भी कोई बड़ी तेजी नहीं, आज कोई गिरावट नहीं, उठा पटक का दौर जारी। कभी तो तेजी का रैंक लगता है, कभी नीचे जाता है, तो सारा वायदा का खेल है। अदरवाइज जो है कोई और उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा ग्वार के अंदर भी। हालांकि ग्वार ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो है आपको हलचल इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। साथियों गेहूं बिल्कुल स्टेबल, गेहूं के अंदर तेजी नहीं है, आज नहीं बनी है, लेकिन थोड़ा बहुत हलचल हो सकती है गेहूं के अंदर, कितनी 20-30 रुपए की, जो कि हमारे किसान भाई जो है उनको तो उसका फायदा कितना मिलता है वो बाद की बात है, वो देखने वाली बात है। चने की बात करें, श्रवण पूनिया जी धन्यवाद आपने वीडियो को शेयर कर दिया है बड़े भाई। तो चने की बात करें तो चने के अंदर जो है कोई तेजी लगता नहीं कि इस सप्ताह बनेगी। जौ में तो बिल्कुल ही तेजी नहीं बनेगी, 5500 से 6000 के बीच न्यू सरसों में कॉटन के ऊपर, हाँ यही लग रहा है विराट साहब, 6000 से आसपास, 6000 के आसपास रहेंगे, थोड़ा ऊपर रह सकते हैं 6000 से, क्योंकि जो सरकारी रेट है वो भी लगभग 6000 के थोड़ा ही कम है, तो नए कॉटन के ऊपर तो फिर अपने कभी चर्चा कर लेंगे। असल में कहानी ये साथियों कि सरकार की मंशा ये कतई नहीं है कि वो सरसों को खरीदे, सरसों के केंद्रों के ऊपर बारदाना नहीं है, सरसों की खरीद को 25 से 40 क्विंटल किया गया, सरसों के SMS नहीं आ रहे हैं, जिन भाइयों ने सरसों बेच दी है उन